अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक। अभी हमने जो है एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डिस्कशन करनी है, और मैं हूँ अक्सा, और मैं आपके लेके आ गई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन और टॉपिक, और वो क्या है? एंगेजमेंट। एंगेजमेंट, अच्छा ये वाली एंगेजमेंट नहीं, इंगेजिंग अदर पीपल, यानी कि आपने लोगों को इंगेज करना है तो कैसे करेंगे? जाहिर सी बात है, कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी आप परफॉर्म करेंगे, कोई ऐसा काम करेंगे जिससे दूसरे आपकी तरफ इंगेज हो जाएं। और वो क्या होगा, जैसे कि अगर कोई टीचर है ना, तो स्टूडेंट को कैसे इंगेज करेगा? पहले क्वेश्चन करेगा या फिर उनको अटेंटिव करेगा कि आज हम ये पर्टिकुलर टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, वो भी एक एक्टिव तरीके से। ऐसा नहीं है कि टीचर आया और ये कहा जी हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, तो दिस इज़ नॉट द राइट मेथड। आपको बिल्कुल एक्टिवली जाना चाहिए क्लास में, सबसे क्लास में जाना चाहिए अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अभी हमने जो है अपना एक बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करना है, बिल्कुल ऐसे जो है बिल्कुल एक्टिव तरीके से अगर आप बच्चों को इंगेज करेंगे तो वो भी अच्छे तरीके से इंगेज हो जाएंगे। लेकिन अगर इंगेज करने का आपको मेथड ही नहीं आता, आपको तरीका ही नहीं आता, तो कोई भी इंगेज नहीं होगा। स्टूडेंट्स क्या कोई भी इंगेज नहीं होगा, अगर आप ही थके हुए हैं और आप ही जो है वो बिल्कुल लो हैं, तो फिर तो कोई भी इंगेज नहीं होगा ना। तो आपने क्या करना है, सबसे पहली बात, सबसे पहले कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी। पहला पॉइंट ये है कि आपने अगर किसी को इंगेज करना है ना अपनी तरफ, तो कोई ऐसी बात कह दें या ऐसा जो है वो वर्ड बोल दें जिससे सारे के सारे आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएं, आपको देखने लग जाएं, तो ऑल दो आपके पास आपकी तरफ जो है वो वैसे ही इंगेज हो जाएंगे आपकी बात सुनने के लिए। या आप कह सकते हैं आज हम बहुत ही अच्छे डिस्कशन करने वाले हैं, सबका इंटरेस्ट होगा, क्या डिस्कशन करने वाले हैं। आप ये कह दें आज हम ये जो है वो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग है, तो सारे इंगेज हो जाएंगे कि क्या इंटरेस्टिंग है इसमें। तो इस तरह से अगर आप इस अपनी चीज़ों को स्टार्ट करेंगे ना, अपने टॉपिक्स को स्टार्ट करेंगे, तो बहुत ही अच्छे से इंगेज हो सकेंगे, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप किसी गैदरिंग में बैठे हो, चाहे आप फैमिली में हो। अगर आप अपनी बात करना चाह रहे हो तो आप एक पर्टिकुलर वे में उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो, वो आपकी बात सुनेंगे। लेकिन अगर आप इस तरह से शोर डालना शुरू कर दो या फिर बिल्कुल लो फील करो, तो फिर कोई भी आपकी बात नहीं सुनेगा। बात ये है, एक दूसरा पॉइंट ये भी कि आपने ऐसे किसी को पकड़ के इंगेज नहीं कर लेना, ऐसे किसी को अपनी तरफ रागिब नहीं कर लेना। आपने क्या करना है, आपके पास अपना भी दिल करना चाहिए किसी से बात करने को। ऐसा नहीं है कि अगला बंदा आपसे बात करना चाह रहा है और आप बिल्कुल भी जो है वो इंटरेस्टेड नहीं है, फिर तो कोई फ़ायदा नहीं ना इंगेजमेंट का। तो आप ऐसा करें कि आपने क्या करना है, इंगेज करना है दूसरों को, तो कोई ऐसी बात करें, कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिससे दूसरे आपकी बात सुनने में इंटरेस्टेड हों, तो तभी आप बोलेंगे नहीं एक अच्छी इंगेजमेंट हो रही है। कोई ऐसा टॉपिक आपको स्टार्ट करना चाहिए जो सब सुनना चाहें, जिस पे सब डिस्कशन चाहें, वो होती है इंगेजमेंट। और हमारे सोसाइटी में सबसे ज़्यादा अच्छी इंगेजमेंट क्या है, यहाँ पे कोई तमाशा लगा दो, यहाँ पे कोई तमाशा मींस के अगर कोई सड़क पे तमाशा लगा है, यहाँ पे किसी फैमिली में जो है वो लड़ाई झगड़ा हो रहा है, या स्टूडेंट्स लड़ झगड़ रहे हैं, तो सारे इकट्ठे होकर देखने लग जाएंगे। तो इससे अच्छी इंगेजमेंट क्या है, तो क्या इसका मतलब क्या है कि सारे जो है वो लड़ाई झगड़ा करना शुरू करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। सारे लड़ाई झगड़ा तो कर ही रहे हैं, कर तो रहे ही हैं, लेकिन आपको क्या करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए कि उस लड़ाई झगड़े को सॉल्व करने के सॉल्यूशंस निकालने चाहिए। ये एक यूनिक मेथड हो गया, एक अच्छा तरीका हो गया इंगेज करने का, है कि नहीं? तो बेसिकली इंसान को कोई ना कोई ऑल द टाइम कोई ना कोई यूनिक, कोई ना कोई एक डिफरेंट चीज़ चाहिए होती है। तो आप कोई ऐसा टॉपिक करें स्टार्ट जिससे दूसरे आपकी बात को सुनना चाहें, और ना कि सिर्फ सुने बल्कि उनके दिल तक बात पहुंचे, और ज़्यादा कोशिश यही करें कि आपके दिल से बातें निकलें। और अगर ऐसा होगा तो क्या कहते हैं ना, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, तो वही वाला जो है वो सिस्टम हो सकता है। अगर आप कोई इंगेजमेंट करना चाह रहे हैं, जैसे कि अगर मैं हूँ, कोई भी और यूट्यूबर है या फिर इस तरह से कोई भी बात करता है या स्पीकिंग में बहुत अच्छा है, तो वो यही चाहेगा कि उसके जो व्यूअर्स हैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। तो क्या अब इतनी ज़्यादा जो है वो कंटेंट की वैरायटी है, तो क्या हर कोई अट्रैक्ट होगा इस तरह के टॉपिक्स पे? नहीं, वही अट्रैक्ट होगा जिसको एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर चाहिए। तो आपने आपका जो कंटेंट है बेसिकली उनके क्वेश्चन का आंसर है, सही?
तो जब आप बजाय इसके कि प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं उनके सॉल्यूशंस पे अगर फोकस करेंगे ना, तो वो आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी, एक यूनिक चीज़ हो जाएगी, और आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि दूसरों को एड्रेस कर सकें, दूसरों को उनके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे सकें, तो वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल चीज़ होगी। एंड ये जो है आपकी जो इंगेजिंग पावर है, एक इंगेजिंग स्किल है जो एक इंसान के अंदर होनी चाहिए, वो आपके अंदर आ सकती है। तो इंगेजमेंट सिर्फ इस वजह से नहीं होती कि आप जैसे कि अगर स्टूडेंट हैं या क्लास का इन्वायरमेंट, तो इंगेजमेंट सिर्फ वहाँ पे टीचर जाके इस तरह से नहीं कर सकता कि जाते ही जो है वो इस तरह शुरू हो गया, आज हमें ये पढ़ना है, और बिल्कुल गुस्सा करना जैसे कि गवर्नमेंट टीचर्स करते हैं, और मोस्टली ज़्यादातर नहीं लेकिन मोस्टली जो है वो इस तरह से गवर्नमेंट टीचर्स करते आए, क्लास में टॉपिक पढ़ाया और गुस्सा किया, ये वो इस इधर उधर की जो है वो थोड़ा बहुत बातें की और चले गए। तो ये इंगेजमेंट नहीं होती, इंगेजमेंट वो होती है जिसमें आपको व्यूअर, आप मैं स्टूडेंट का, क्योंकि क्लास की बात करें तो स्टूडेंट के इंटरेस्ट का पता हो और आप उसको जो है वो आंसर कर सके, तभी जो है वो एक इफेक्टिव इंगेजमेंट क्रिएट हो सकती है। अदरवाइज इंगेजमेंट कोई नहीं होनी, तो फिर क्या होना है, फिर बस जी टॉपिक ही होना है और ये टीचर ने बता दिया हमें, जैसे कि गवर्नमेंट टीचर्स करते हैं, मोस्टली टीचर्स ऐसा करते हैं कि रीडिंग करवा दी और बस ये इसका मतलब ये है, और आपने भी इसको, अगर आपने भी पास होना है तो आपने भी यहाँ से लेके इसका मतलब जो ये मैंने बताया है इसको आपने रट्टा मारना है, अदरवाइज आप फेल हैं। तो दिस इज़ नॉट द राइट अप्रोच टू एंगेज पीपल और एंगेज स्टूडेंट्स। तो आपने क्या करना है, आपने उनके इंटरेस्ट को टच करना है कि जिस चीज़ में उनका इंटरेस्ट है आप उसको, आप जो है उनके इंटरेस्ट को, इंटरेस्ट बेस्ड जो है वो टॉपिक्स को टच करें। जैसे कि मैं हूँ ना, अगर तो मैंने टीचिंग कैरियर में अपने इस तरह से भी टीच किया बच्चों को कि कुछ ऐसे भी मैंने जो है वो क्लास में इन्वायरमेंट क्रिएट किया था कि मैं पढ़ाने के बाद, यानी कि स्टूडेंट्स को टॉपिक क्लियर करवाने के बाद, जैसे अगर मैं केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ तो उसका पर्टिकुलर टॉपिक मैंने जो है वो कवर अप करवाया एक बहुत ही लेक्चर मेथड में, बहुत सारे मेथड होते हैं टीचिंग के, तो ज़्यादा इफेक्टिव मुझे लेक्चर मेथड लगता है, उससे मैंने करवाया। फिर उसके बाद थोड़ा सा टाइम सारा कंप्लीट करवाने के बाद, सुनने सुनाने के बाद, मैं जो है वो एटलीस्ट 10 मिनट्स या 5 मिनट्स जो है वो निकाला करती थी बच्चों के साथ उस टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए, जो भी वो इंटरेस्ट बेस्ड उनके क्वेश्चन हुआ करते थे। जैसे कि स्टूडेंट्स लाइफ में अगर हम होते हैं तो हमारे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और उन क्वेश्चंस को आंसर करने वाला कोई नहीं होता उस टाइम पे, हमें कोई मिलता नहीं कि जो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर दे दे। तो इफ टीचर्स जो हैं, जो कि अपना सब्जेक्ट तो पढ़ा ही रहे हैं लेकिन साथ साथ वो स्टूडेंट्स को उनके प्रैक्टिकल लाइफ में या उनके जो भी माइंड में क्वेश्चंस आते हैं जो कि उनकी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं, उनकी ग्रूमिंग कर सकते हैं, अगर वो भी करना स्टार्ट कर दे तो क्या इससे स्टूडेंट्स इंगेज नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। आजकल के जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें जो इंगेजमेंट की कमी आ रही है, यानी कि स्टूडेंट्स जो है वो टीचर की बात नहीं सुनते या मिसबिहेविंग हो गया, वो यही वजह है कि टीचर का जो है ना, एक पर्टिकुलर टीचर, अगर प्राइवेट सेक्टर की बात की जाए तो वहाँ पे जो एक स्कूल है उसमें एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, टीचर को एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट बस अलॉट किया जाता है और कहा जाता है कि ये आपने सिलेबस पढ़ाना है, और जी बिल्कुल एक वीकली सी एक क्या बोलते हैं प्लानर सा बनाया होता है, जी हमने ये पढ़ाना है और हमने जो है वो जान छुड़ानी है। ये टीचर्स का, मिस स्कूल वालों का भी यही एजेंडा होता है, फिर जाहिर सी बात है स्कूल वालों का एजेंडा जो है उसमें जो टीचर है, क्योंकि वो एक एम्प्लॉय है और वो अपने सजेशंस नहीं दे सकता या उसको अलाउ ही नहीं किया जाता कि वो अपना सजेशन दे, और जी आपने इसको फॉलो करना है और अगर फॉलो करेंगे तो ठीक है, नहीं फॉलो करना तो यू कैन गो। तो दिस इज़ नॉट द राइट अप्रोच टू इंगेज पीपल, टू इंगेज स्टूडेंट्स। तो बिल्कुल भी ये जो है अप्रोच अच्छी नहीं है हमारे एजुकेशन सिस्टम का, इसीलिए तो जो है वो क्या बोलते हैं ना, अच्छा वो नहीं है। क्यों नहीं है अच्छा? वो इसी वजह से अच्छा नहीं है कि उसमें जो है वो स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकली तैयार नहीं किया जा रहा, उनके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, जो उनके माइंड में आने वाली मिसअंडरस्टैंडिंग्स है उनको क्लियर नहीं किया जा रहा, सिर्फ और सिर्फ उनको रट्टा लगवाने पर फोकस किया जा रहा है, और वो इंगेज तो हो जाते हैं लेकिन ना वो दिल से इंगेज नहीं होते, जिससे ना तो हमारे स्टूडेंट्स क्रिएटिव हैं और ना ही हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कुछ उनका माइंड अच्छा सोच पा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे फ्लॉज हैं, और क्योंकि
सबसे बड़ी वजह कि एजुकेशन को जो है वो एजुकेशन के तौर पर ट्रीट नहीं किया जा रहा, बिजनेस के तौर पर ट्रीट किया जा रहा है। तो ये जो बिजनेस ओनर्स हैं जो एजुकेटिंग फील्ड में बिजनेस को चला रहे हैं, ये बहुत ही गलत कर रहे हैं। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। और इनको क्या करना चाहिए, इनको स्टूडेंट्स की ना सिर्फ ये रट्टा लगवाने पे के साथ साथ, क्रैमिंग सिस्टम तो है ही, बहुत अच्छा चल रहा है हमारा क्रैमिंग सिस्टम, और इससे जो है वो हर साल जो है वो बहुत सारे रट्टू तोते तो पैदा हो ही रहे हैं। इस पे तो कोई शक नहीं है कि इतने ज़्यादा रट्टा लगा लिया, लेकिन फिर भी देख लें, कोई गारंटी नहीं है कि वो एंट्रेंस एग्जाम में ये जो NTS क्या उसको बोलते हैं ना, मेडिकल के जो टेस्ट होता है, एंट्री टेस्ट, वो क्लियर ही नहीं कर पाते बेचारे। इतना पढ़ने के बाद भी उनको तैयारी करनी पड़ती है, तो कोई गारंटी नहीं है, और फिर भी वो पास हो ना हो, तो ये जो है वो क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड यहाँ पे चल रहा है। चल गया, नहीं चला ना चला, तो बहुत एक, मैं क्या कहूँ इसको, बहुत एक अजीब सा सिस्टम है, और कोई भी इसके बारे में बात ही नहीं करना चाहता। तो क्योंकि मैं इस फील्ड में रह चुकी हूँ और मुझे पता है कि इस फील्ड की क्या क्या फ्लॉज हैं, और कोई उस पर काम नहीं करना चाहता। और तो सबकी जो है वो कोई ना कोई जो है वो कह लो कि कोई ना कोई वजह तो होती है, जो जॉब कर रहा है या टीचिंग कर रहा है। और ये जो मैनेजमेंट वाले होते हैं, स्कूल के मैनेजमेंट वाले, बजाय इसके कि वो बच्चों की बेहतरी पे या बच्चों को एक नया लर्निंग एनवायरनमेंट देने के, या फिर उनको कोई ऐसा एक क्लास देने पे जो उनकी प्रॉपर गाइडेंस कर सके, वो सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस पे, अपने प्रॉफिट एंड लॉस पे फोकस कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही गलत बात है। और ऐसा सिस्टम जो है वो ज़्यादा फिर चलता नहीं है। तो ना ही इसे स्टूडेंट इंगेज तो हो जाएंगे आपकी, अब ये करते क्या हैं, ये ऐसा ही करते हैं, ऐसे आपको सबक दिखाएंगे, हमारे स्कूल में ऐसा होता है, हमारे स्कूल में वैसा होता है, हमारे स्कूल में बच्चे पे ये किया जाता है, हमारे स्कूल में बच्चे पे वो किया जाता है। कोई ये नहीं बताता, जो मर्जी कह लो, हमने तो क्रैमिंग ही करवानी है, और क्रैम जो है वो हमारा सिस्टम मेन क्रैमिंग का ही है, तो ये नहीं कोई बताता, जो कि बहुत बुरी बात है, बताना चाहिए। क्योंकि स्टार्टिंग पे ज़्यादा अगर आप बच्चों को प्रैक्टिकल ही सिखाएंगे ना, जैसे कि अगर एप्पल है तो उसके आपको पता है वो क्या मिलते हैं, क्या उसको बोलते हैं, स्कल्पचर, एक क्या बोलते हैं उसको, डेमो क्या, नमूने भी बने हुए मिलते हैं, मॉडल्स मिलते हैं एप्पल का, या फ्रूट्स का, कलर्स का, वो बता दिया, तो वो आप उसको दिखा के अगर समझाओगे या पढ़ाओगे तो वो बहुत अच्छा पिक करेगा उस चीज़ को, बजाय इसके कि जैसे टीचर्स करते हैं मोस्टली, और मैनेजमेंट भी इसी तरह से करती है, और बताएं, मैं कह रही नहीं एप्पल है, इसको याद करो क्या बच्चा वो बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा, इतना सा बच्चा, और उसको आप गाइड भी करें तो इस तरह से डांट डांट के उसकी क्रिएटिविटी की तो वैसे ही जो है वो बैंड बच जाएगी, उसका माइंड कुछ अच्छा सोच ही नहीं पाएगा। जैसे कि मैं भी इसी एजुकेशन सिस्टम से हूँ, तो मुझे बहुत अच्छे से ये चीज़ पता है, और स्टार्टिंग से लेके मुझे चीज़ें याद है बहुत अच्छे से, कि मेरा जो स्टूडेंट लाइफ का था वो इसी तरह से था। मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, बल्कि थी, क्योंकि अब तो मैं पढ़ चुकी हूँ, तो एवरेज स्टूडेंट थी, कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं थी, मैं स्टार्ट पे बहुत था, ऑल दो हमारी मेरी टीचर जो थी वो बहुत अच्छी थी, और स्टार्ट पे जिन्होंने मुझे बिल्कुल नर्सरी प्रेप से पढ़ाया वो बहुत अच्छी थी, और उन्हीं की वजह से आई थिंक मैं जो हूँ वो आगे पढ़ पाई, क्योंकि टीचर स्टार्ट पे अच्छा मिल गया ना, तो टीचर का अच्छा होना भी बड़ा ज़रूरी है। ऑल दो मैनेजमेंट बहुत सारे फ्लॉज हैं, बहुत सारी कमियां हैं हमारे सिस्टम में, जिसको दूर करने के लिए हम कोशिश तो कर सकते हैं ना, लेकिन कोई भी कोशिश भी नहीं करता। तो एज अ इंडिविजुअल, एज अ ह्यूमन, इंसानियत के नाते, एक टीचर होने के नाते आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप ना सिर्फ अपने सब्जेक्ट को बच्चों को क्लियर करवाएं अच्छे से, बल्कि उनका जो उनके जो भी उनके माइंड में कॉम्प्लेक्सिटीज चल रही होती हैं, एंजाइटी चल रही होती है, क्वेश्चन चल रहा होता है, जिससे बच्चे सब फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, और उसको अगर आप क्वेश्चन, उनके क्वेश्चन का आंसर दे दें 5-10 मिनट निकाल के, तो आई डोंट थिंक सो कि आपका कुछ जाता है, बल्कि किसी का भला हो सकता है, और वो क्रिएटिव हो सकता है, या कोई अच्छा डिसीजन ले सकता है, तो इसमें गलत ही क्या है। तो आपको ये बिल्कुल करना चाहिए, और इससे देखिएगा कि जो टीचर्स की इंगेजिंग पावर है, इवन कि कोई भी फील्ड में आप हैं और आप चाहते हैं कि जो आप बता रहे हो ना वो सुना जाए, उस पर जो है वो फोकस किया जाए, तो आपको जो है वो उनके इंटरेस्ट को टच करने की ज़रूरत है, और अगर आप ऐसा करेंगे तो यू विल गेट सक्सेस इंशाल्लाह, और आपकी इंगेजिंग पावर जो है वो और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, और आपके अपने पॉइंट ऑफ व्यूज जो हैं वो और ज़्यादा अच्छे डिवेलप होंगे, और आपका एक अच्छा और हेल्दी ओपिनियन जो है वो जनरेट हो सकता है। और उसके अलावा
अगर आप इंगेजमेंट, मैंने आपको बता दिया कि ये पॉइंट्स हैं तो आप इनको फॉलो करें, इंटरेस्ट को टच करें आप दूसरों के, और उनके क्वेश्चन को एड्रेस करने की कोशिश करें, तो इससे ना सिर्फ वो फ़ायदा उठाएंगे बल्कि आप खुद भी फ़ायदा उठाओगे कि हो सकता है जो स्टूडेंट लाइफ में आपको जिन क्वेश्चन के आंसर्स चाहिए थे उस टाइम पे, आज अगर वो किसी और के माइंड में है तो आप उनको आंसर दे सको और उसको जो है वो थोड़ा सा काम डाउन कर सको। क्योंकि ऐसा ही होता है कि मैंने अक्सर देखा है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं ना उनके माइंड में इतने क्वेश्चन चल रहे होते हैं, हम बेचारे पढ़ें क्या, वो इतने परेशान हो जाते हैं, इतने परेशान हो जाते हैं इवन के वो रोने भी लग जाते हैं कि ये हमारे सिस्टम की एक इतनी एजुकेशन सिस्टम की इतनी बड़ी ख़राबी है कि जो स्टूडेंट को इतना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट दे देता है कि जिससे स्टूडेंट बेचारे सोच सोच के जो है वो अपने आप पे जुल्म करते हैं और अपने आप को हलकान कर लेते हैं सोच पर कि पता नहीं अगर मैं वो मुझसे आगे गुजर गए या मैं पीछे रह गई तो पता नहीं क्या हो जाएगा। कुछ नहीं होता, ये मैं अपने स्टूडेंट्स को भी समझाया करती थी और जो यहाँ पे सुन रहे हैं मेरे व्यूअर्स, कुछ नहीं होता, लोग बातें करते हैं, बिल्कुल करते हैं। आप अपने दिल से अपने आप को सक्सेसफुल बनाने के बारे में सोचो, अपने आप को कुछ इस तरह से चलाओ कि जिससे ना सिर्फ आपका फ़ायदा हो बल्कि दूसरों को भी फ़ायदा हो, तो यू विल सी रिजल्ट्स इंशाल्लाह जो कि बहुत पॉजिटिव होंगे। एंड आई होप कि आपको ये डिस्कशन बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर मैं आपको ये क्वेश्चन करूँ आपसे कि आपको अगर मैं एक पर्टिकुलर सिचुएशन देती हूँ कि आप एक पर्टिकुलर सोशल ग्रुप में हैं और आप उसको जो है जो भी आपका सोशल ग्रुप पर आपको पसंद है, आप के स्टूडेंट्स हैं, आप फैमिली में हो, अपने बहन भाइयों के साथ हो, किसी बिजनेस में हो या कोई भी ऐसा ग्रुप जिसको भी आप जिसमें भी आप हो, तो आप वहाँ पे दूसरों को कैसे एंगेज करोगे, तो आपका ओपिनियन जानना या आपकी जो है वो इस एंगेजिंग टेक्निक को जानना मेरे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, तो आप बिल्कुल बता सकते हैं और मैं आपको फीडबैक दूंगी। और थैंक यू सो मच, आई होप आपको टॉपिक बहुत अच्छा लगा है, लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जो भी मेरे मैं आपसे कहती हूँ, आपसे बातें करती हूँ, ये मेरे अपने एक्सपीरियंस के बेस पर भी हैं और आई नो कि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन का ये आंसर भी हैं, क्योंकि अपना एक्सपीरियंस, वो क्या कहते हैं ना, विजडम लाइज इन लर्निंग फ्रॉम अदर एक्सपीरियंसेस, कि आप दूसरों के एक्सपीरियंसेस सीख लोगे तो बहुत सारी मुसीबतों से, बहुत सारी मुश्किलों से आप बच सकते हो, बजाय इसके कि आप जो है वो खुद पहले प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो अगर आपके सामने उसी प्रॉब्लम से कोई बंदा निकल के आ चुका है तो आप उसके एक्सपीरियंस से फ़ायदा गेन कर लो, ना कि आप जो है वो मुश्किल में ही पड़े रहो। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।